नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया में अगर आप कोई कंपनी या फर्म रजिस्टर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वर्ष 2016 से थोड़ी प्रक्रिया जो है वो चेंज हो गई है, बहुत ही इजी कर दिया गया है और टोटली ऑनलाइन कर दिया गया है इसे। तो इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी एजेंट या दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े और आप खुद ही कर लें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है। आप दलाल के चक्कर में पड़ के आप जो है कुछ अपने पैसे जो है वो जो बेकार कर लेंगे। खुद ही कीजिए और वो इन्वेस्ट कर लीजिएगा अपने बिजनेस में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो टोटली चीज़ जो होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होता है, ये हैंडल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट लोगों को पता नहीं है, ये टोटली प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है, ठीक है। इवन एजेंट भी करेंगे तो उनको भी ऐसा ही करना पड़ता है, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप इनके मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का वेबसाइट आपको हम अभी ले चलेंगे थोड़ी देर में। ये वेबसाइट टोटली ऑनलाइन होता है और इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए आईडी प्रूफ के, जैसे कि आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद जो स्पेस आप मतलब ऑफिस के लिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसका एक जो अग्रीमेंट कॉपी होना चाहिए। अगर आपका वो है ज़मीन जो है आपका, अगर तो आप उसका ज़मीन का पेपर, ठीक है। और अगर आप रेंट पे मकान ले रहे हैं तो आप अग्रीमेंट फॉर्म जो है और एक सर्टिफिकेट ओनर की तरफ से कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक करंट अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। करंट अकाउंट नंबर बैंक में होना चाहिए। उसके बाद बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आप अपने घर पे स्टार्टअप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप घर पे स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा वो। तो चलिए, एक कुछ पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ले लीजिएगा और मेन स्टेप्स जो है आपको हम बता रहे हैं, समरी उसके बाद डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहला काम होता है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे DSC कहते हैं, उससे आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके वो बनाने के लिए आपको कुछ एजेंसीज है जिनको मैं बताऊंगा डिटेल में अभी। दूसरी चीज़, उसके बाद आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, DIN जो है वो लेना होता है, ठीक है, MCA से। उसके बाद आपको उसके पोर्टल पे जाकर, MCA के पोर्टल पे जाकर एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद उससे उसमें जो आप ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ता है, जो चीज़ पूछ रहा है आपको फिलअप करना होगा, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उसका स्कैन कॉपी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, और लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। जितना डिपेंड कर रहा है कि फ़ी, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पार्टनरशिप, किस टाइप का बिज़नेस है, उससे थोड़ा वेरी करता है। तो इस हिसाब से उतना जो फ़ी है वो पे करना होगा। करने के बाद आपको सर्च करना होता है एक नाम, उसी साइट पे आपको ऑप्शन है, दिखाएंगे हम सब आपको रजिस्टर करके जो आप नाम रखना चाहते हैं अपने कंपनी का, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं कि कैसे नाम रखना है आपको, वो भी बताएंगे आपको हम, ठीक है। और उसके बाद नाम रजिस्टर करना हो जाएगा, अप्रूव करना होगा, सबमिट करना होगा अप्रूवल के लिए। उसके बाद अप्रूव सब कुछ हो जाएगा तो कंपनी स्पेस जो है वो आपका ऑफिस पे वेरिफिकेशन होगा MCA ऑफिशियल द्वारा, और फाइनली आपको कंपनी जो है, आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा ओरिजिनल MCA ऑफिस से। उसके बाद भी आपको कुछ काम करना होगा, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फॉर्मेलिटी जैसे कि TIN नंबर आपको बनवाना होगा अपने बिज़नेस का। उसके बाद पैन नंबर आपके बिज़नेस अकाउंट से, ठीक है, आपका इंडिविजुअल तो रहेगा ही रहेगा आपके पास, लेकिन आप बिज़नेस के लिए आपको बिज़नेस का पैन अकाउंट नंबर होना, उस बिज़नेस नेम से पैन नंबर होना चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है कुछ कुछ किस टाइप का बिज़नेस है, उसके हिसाब से कुछ और मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स होते हैं। डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आपका बिज़नेस है, और ट्रांसपोर्ट का है तो कुछ और सर्टिफिकेट होते हैं उस डिपार्टमेंट में कुछ और। तो ये सब बहुत छोटे चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो है ये चीज़ है उसे मैं आपको बता रहा हूँ अब डिटेल में। देखिए, ये है MCA.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्टेप्स यही है, तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको लेना होगा, ठीक है। उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए जो है वो फॉर्म आपको इस साइट पर मिल जाएगा, आप उसे भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं,
ये फॉर्म होता है डिन के लिए, अप्लाई करने के लिए जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उन्हें ये फॉर्म फिलअप करके अपलोड करना होता है, सारा डिटेल्स वगैरह फ़ोटो वोटो काट के सब कुछ अपलोड कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आपको बताते हैं, जब डिन आपका आपको मिल जाएगा उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना होता है DSC के लिए, यानी डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए। आप जो मैंने आपको बताया था उसमें पहला चीज़ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिन, यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो अप्रूव्ड एजेंसी जो उनसे लेना होता है उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए, आपको हम बताते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए ये सब जो है कंपनीज हैं MTNL TCS, ये जो है ये सब ई मुद्रा NIC, इन सब से आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपना ले सकते हैं, उनका जो फी है उनको पे करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। डिन के लिए डिटेल प्रोसेस पे दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे है कैसे कैसे आपको डिन के लिए पेमेंट करना होगा, आपको सब फॉर्म वॉर्म फिलअप करके सब डॉक्यूमेंट डाल के डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करके और फिर पेमेंट करना होगा, तो डिन मिलेगा आपको, जनरेट डिन होगा। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको इसके साइट पे जाके, ये देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपका डिटेल पूरा भरना होगा सब कुछ, तो आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब आपको मेन फिर आएगा, फॉर्म आएगा जिसमें आपको सारा डिटेल भरना होगा आपके बिजनेस का जो करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF कॉपी जो आपको अपलोड करना होगा और फाइनली पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। फिर आपको सर्च करना होगा आपको कि जो आप कंपनी का जो नाम है आप रखना चाहते हैं वो, तो वो कैसे सर्च करेंगे आपको बता रहे हैं, आप जाइए यहाँ पे, ठीक है, इसमें जाइए चेक कंपनी नेम या फिर चेक LLP, इसमें जाके आप यहाँ नाम डालिए जो आप रखना चाहते हैं और सर्च कीजिए। तो अगर वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो मिल जाएगा आपका नाम, लेकिन उसके भी कुछ गाइडलाइंस हैं नाम रखने के भी। सपोज़ कीजिए एग्जांपल के तौर पे कि पहला नाम दो वर्ड्स का होना चाहिए कम से कम, मिनिमम पहला जो होना चाहिए वो आपका खुद का कंपनी नाम, और दूसरा जो है वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि किस टाइप का बिजनेस है, जैसे कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज टेक्स रिलेटेड कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का कंपनी है। ठीक है, इसी तरह से कंपनी का नाम होना चाहिए, उसके आगे फिर प्राइवेट लिमिटेड लगा रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सर्च करके यहाँ पे आपको अप्रूव करना होगा, अप्रूवल के लिए आपको रिक्वेस्ट जमा करना होगा। एक बार आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आपको मेल आएगा कि हाँ आपका जो है जो कंपनी है रजिस्टर हो गया और आप अपना सर्टिफिकेट आकर ले लीजिए। ठीक है, लेकिन लेने से पहले आपका जो है वो ऑफिस के का जो स्पेस है जो आपने इसका डॉक्यूमेंट जमा किया है उसे वेरीफाई करेंगे आके, मैनुअली MCA के ऑफिशियल्स आएंगे आपके पास और वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है इस एड्रेस पे या नहीं करता है। ठीक है, सारे आपके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेंगे जो आपने अपलोड किए थे। उसके बाद फाइनली आपको जाके वहाँ एक डेट दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा और आप कंपनी का मालिक हो जाएंगे उस समय। ठीक है, उसके बाद भी थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो टिन नंबर टैक्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। ठीक है, वो बनवाना होगा आपके अपने बिजनेस नेम से। ठीक है, पैन नंबर आपका नहीं, आपके बिजनेस नेम से एक पैन नंबर बनाना होगा, करंट अकाउंट नंबर आपके बिजनेस से। ठीक है, उसके बाद किसी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, और डिपेंड करता है कुछ कुछ आपके बिजनेस किस मॉडल का है उसके हिसाब से, और कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो बनाने होंगे। तो बस यही कुछ होते हैं, उसके बाद बस आपका सपना जो है वह साकार हो जाता है बिल्कुल कंपनी का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रक्रिया को से अप्लाई करेंगे और किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कुछ सवाल अभी भी हैं तो आप पूछिए, हम बिल्कुल बेहिचक आपका मदद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, कीप वॉचिंग।